हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा यूपी टीटी का जो एग्ज़ाम होता है, एडमिशन कैसे ले सकते हैं आप। सभी प्रोसेस आपको इस वीडियो में पता लगा रहा हूँ। सो आगे चलते हैं, आपको यूपी टीटी का एग्ज़ाम देना होता है, कैसे करना होता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर मिलेगी, कितना स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी डिटेल्स आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो आपको यू पी टी टी का कैसे एग्ज़ाम देना होता है, कहाँ पे जाकर के चेक करनी थी, आपको बताता हूँ इस वीडियो में क्या प्रोसेस है सभी। चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है, इज़ द स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है जो विच इज ऑर्गेनाइज थ्रू द परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश टू रिक्रूटेड कैंडिडेट्स प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल के लिए। यहाँ पर रिक्रूट की जाती है, मतलब भर्ती के लिए बुलाई जाती है लोगों को टीचर्स के लिए, ठीक है। लेकिन ये सामने फॉर्म है, ये फॉर्म को फिलअप कर दिया होता है। इस फॉर्म में फिल करना है आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर। इसमें आपको फिल करनी होती है अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस। फिर आपको गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक करनी है, जिससे आपको यूपी टीटी के रिलेटेड सारे का सारे अपडेट नोटिफिकेशन मिलती हैं और अलग अलग कॉलेजेस सजेशंस के लिए यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलती हैं, सब कुछ जैसे कट करना होता। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन मोड बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एवरी ईयर दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम दिस कंटेन एप्लीकेशन विल बी नो डिटेल्स। ओके, इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स एप्लीकेशन फॉर्म। इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होता है, एलिजिबिलिटी की क्या क्या होनी चाहिए, तो आप उत्तर प्रदेश टीचर बनने के लिए अप्लाई कर पाएंगे, उसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। सो सभी प्रोसेस आप देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन आपको जो है आगे बढ़ने से पहले गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा कि देश के टॉप 7th यूनिवर्सिटी, इसमें फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं सिंपली, बट यहाँ पर क्या है, ये सभी यूनिवर्सिटी के नाम आपने सुने कि नहीं सुने आपको बता देता हूँ। UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके एडमिशन ले सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, काफ़ी ईजी है। ओके, ये क्या है कि देश का टॉप 7 यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ पर एडमिशन लेना जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% प्लेसमेंट मिलने वाली है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलने वाली है, एजुकेशन क्वालिटी मिलने वाली है। ओके, और यहाँ पर जो है आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाली है, जो आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इनमें जरूर किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ओके, दिस इज़ एग्ज़ाम नेम, योर एग्ज़ाम नेम, UPTET, फुल फॉर्म, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एग्जाम टाइप्स होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एग्जाम लेवल होता है, स्टेट लेवल के होता है, कंडक्टिंग बॉडी होता है परीक्षा नियामक। ओके, उत्तर प्रदेश, अप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड से होता है, एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन या फिर कैसा भी हो सकता है, PPT फॉर्म। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इवेंट, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन रिलीज 4th October 2021, अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट सून। ओके, लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशन फॉर, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन अप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट फॉर टेकिंग प्रिंट आउट कर लिए, सभी के लिए यहाँ पर लास्ट डेट आपको देखने को मिलता है। फिर आप यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जहाँ पर बताई जाती है आपको कि लास्ट डेट कभी है, अप्लीकेशन फॉर्म आपकी कभी रिलीज़ की जाती है, अप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिल किया जाता है, आपको सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बोला जाता है खुद से आपको फिल करनी होती है, डिटेल्स रिक्वायरमेंट होती है जो फिल करनी होती है, वहाँ पर आपको फिल करना होता है, आपको एजुकेशन नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स एंड अदर बैंक डिटेल्स ऑनलाइन फ्रॉम इंडिया। ओके, अप्लीकेंट हैव टू सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट टू देयर, शुड बी मेंशन देयर द फोटो, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, आपको क्या दिखाई देता है, फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट क्या देखेंगे, फीस आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 400 रुपीज़, सभी के लिए यहाँ पर आपके अलग अलग प्राइस बताया जाता है, इसे आप खुद ही देख पा सकते हैं कितना प्राइस में है, ठीक है।
एलिजिबिलिटी क्या है इसका ही तो वेट कर रहे थे आप, इसका वेट कर रहे थे कि आपको एलिजिबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पे। तो काफ़ी सिंपल है, इज़ वेरी इजी। ओके, तो आप यहाँ पर क्या देख पाएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन कितना चाहिए रहता है। अगर आप पढ़ाएंगे प्राइमरी लेवल के लिए एग्ज़ाम देने वाले, मतलब आप पढ़ाएंगे उसमें आप पहली क्लास से लेकर के फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अगर आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है प्राइमरी टीचर बनने के लिए? बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट किया है, मिनिमम 50% मार्क्स आपने सिक्योर किया है, यूनिवर्सिटी एंड टू ईयर डिप्लोमा डीएड का फ्रॉम द एनसीटी, ओके, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ द इंडिया इसे बोला जाता है। तो आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया विद 50% मार्क्स के साथ में, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर डिग्री टू ईयर बीटीसी एंड नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन स्पेशल बीटीसी ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सभी आपके एलिजिबिलिटी, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन कितना होने रिक्वायरमेंट है वो सभी बताया गया है अगर आप करने वाले। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अपर प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है वो यहाँ पर आप देख पाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्लास सिक्स क्लास एट के बच्चों को पढ़ा सकते हैं अगर अपर प्राइमरी लेवल वाला एग्ज़ाम देते हैं तो। ओके, सो बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट किया है किसी भी फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से अप्रूव इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे और का ऑप्शन है, मतलब ये भी चाहे तो ये सब सभी चीज़ें 50% मार्क्स ही रहता है सभी में। आपने ट्वेल्थ कंप्लीट किया है, यहाँ पर इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है, एज क्रिटेरिया बोला गया यहाँ पर। ओके, कैटेगरी देख सकते हैं आप, यू आर कैंडिडेट ओबीसी के लिए, एसटी एसटी के लिए, पीएच के लिए, यहाँ पर आप सभी के लिए देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न्स देख सकते हैं आप, प्राइमरी लेवल का यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या सारी चीज़ें, क्वेश्चन नंबर है, मार्क्स और टोटल टाइम्स होते हैं, कितना सब चीज़ें मिलेगा सब यहाँ पर। सिलेबस चाहिए, सिलेबस के लिए भी आपको यहाँ पर बता दिया गया सिलेबस के बारे में कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे आपको पढ़ाई करना होता है, जिसके बारे में आपको सब समझना होता है। मैथ्स का यहाँ पर हो गया, लैंग्वेज नॉलेज हो गया, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती है जिसे आपको पढ़ना आता है सिलेबस पर। ओके, आप यहाँ पर नेक्स्ट क्या देख पाते हैं, आंसर की। ओके, आंसर की से पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो एडमिट कार्ड के लिए आपको चाहिए ना, मतलब एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड एलिजिबल ही रहता है वही चीज़। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे एडमिट कार्ड को ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू आपको मिलेगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते, मतलब पहले तो यहाँ पर क्या करना होता है, कैंडिडेट कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पर कहाँ से करें डाउनलोड, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड करने वाले हैं, मतलब आप ऑनलाइन मोड से डाउनलोड करने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड पर जाकर के आप चेक करेंगे और फिर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और फिर आपका जब हो जाएगा तो फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, आप वहाँ पर टाइप करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर फिल करना होता है, फिर उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पेपर फॉर्म में प्रिंट आउट निकाल लेना होता है। नेक्स्ट अपना आंसर की रिलीज़ हो जाएगा, जिस वजह से आप आंसर की देख पाएंगे, और आंसर की देखने के बाद आपको क्या करना होता है उसे चेक करना है, चेक कर सकते हैं, चाहे जो से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रिलीज़ की जाती है, आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर कर दी जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर जा करके चेक करना होता है, और फिर आपको चेक करने के बाद आप चाहे तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सभी प्रोसेस हैं, सिंपली आपको यही सारी चीज़ें करनी होती है जो बहुत ही ईजी है। तो अगर आपको डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको चेक करना चाहिए ज़रूर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।